कुछ सालों पहले यूएस का एक बंदा प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, लेकिन उसे अर्थ का रियल एस्टेट बहुत ज्यादा महंगा लगा। एक रात को जब वो आसमान में चांद को देख रहा था तो उसे सिर्फ चांद नजर नहीं आया, उसे चांद पे रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक्चुअली 1967 स्पेस एंटिटी जिसपे दुनिया के लगभग सभी देशों ने साइन किया है, उसपे ये लिखा हुआ है कि किसी भी देश या उसकी सरकार का हमारे सोलर सिस्टम के सेलेस्टियल बॉडीज पे कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन उस पे किसी इंसान का जिक्र नहीं है। इसीलिए इस बंदे ने यूएन को एक लेटर लिखा और अपने आप को मून का ओनर घोषित कर दिया। वहां से कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं तो इसने सोचा कि मुझे अप्रूवल मिल चुका है, और तब से लेके आज 41 सालों तक वो और उसका बेटा क्रिस मून पे प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, और वो लोग मून के 200 मिलियन एकड़ के मालिक हैं, और वो भी 0 रुपए में। गाइस, अगर आपको मून पे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको इनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं वीडियो में। UFO, एलियंस और एलियंस की दुनिया, ये हमेशा से ही हमारा ध्यान खींचती आई है। इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हम हमेशा से ही और जानना चाहते हैं, और हमेशा हम लोग यही मानते आए हैं कि एलियंस हमारी धरती पर आउटर स्पेस यानी कि बाहरी दुनिया से UFO के थ्रू आते रहे होंगे। लेकिन ICER एक ऐसी संस्था जो कि एलियंस, एलियंस की दुनिया और UFO के ऊपर रिसर्च करती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि एलियंस कहीं आउटर स्पेस से नहीं आते बल्कि समंदर की गहराइयों से आते हैं। उनका तो ये भी कहना है कि समंदर की गहराइयों में एलियंस के बेस हो सकते हैं। Oh my God. Guys, सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एलियंस के बारे में ये खबर हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। Guys, आपको ये खबर सुनके कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।